हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं, अगर आपके पास कैमटेशिया में ये प्रॉब्लम हो रही है, कैमटेशिया इज नॉट रेस्पॉन्डिंग, तो इस एरर को आप कैसे इजीली रिमूव कर सकते हैं, इसकी प्रॉब्लम को आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो बहुत सिंपल है, आप इस स्टेप को फॉलो कीजिए। सबसे पहले आपको जो है स्टार्ट मेन्यू के ऊपर राइट क्लिक करना है और आपको जो है यहाँ पर टास्क मैनेजर के ऊपर क्लिक कर देना है। फिर दोस्तों, आप यहां पर देख सकते हैं कैमटेशिया आपको यहां पर शो हो रहा है, तो सेलेक्ट कर राइट क्लिक कीजिए और यहां पर आपको एंड टास्क के ऊपर क्लिक कर देना है। उसके बाद आप जो है यहां पर टास्क मैनेजर को क्लोज कीजिए। फिर दोस्तों, आपको जो है विंडोज़ के सर्च बार में टाइप करना है कंट्रोल पैनल, क्लिक कर कंट्रोल पैनल को ओपन कीजिए। उसके बाद आपको यहाँ पर अनइंस्टॉल ए प्रोग्राम के ऊपर क्लिक करना है। फिर दोस्तों, आप यहाँ पर देख सकते हैं टर्न विंडोज़ फीचर ऑन और ऑफ, इस वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद आप यहां पर देख सकते हैं आपको जो है .NET Framework 3.5, .NET Framework 4.8, यहां पर इन दोनों बॉक्स में आपको टिक करना है। फिर आप यहां पर ओके के ऊपर क्लिक कीजिए, आपके पास .NET Framework डाउनलोड हो जाएगा, आप उसको डाउनलोड होकर इंस्टॉल हो जाएगा। अगर आपको .NET Framework लेटेस्ट वर्जन चाहिए तो आप गूगल में जाकर जो है डाउनलोड कर सकते हैं। उसके बाद आपको जो है कैमटेशिया को ओपन कर देना है यहाँ पर से। फिर आप जो है एडिट के ऊपर क्लिक कीजिए यहाँ पर। उसके बाद आपको प्रेफरेंस के ऊपर क्लिक कर देना है। फिर आपको जो है यहाँ पर अनेबल ऑटो स्टिचिंग, इस वाले फीचर को आपको टर्न ऑफ कर देना है। यहाँ पर इस बॉक्स में अनचेक कीजिए। उसके बाद आपको जो है यहाँ पर एडवांस ऑप्शन में आना है। फिर आप यहाँ पर देख सकते हैं हार्डवेयर एक्सेलरेशन, तो आपको जो है यहाँ पर आपको ग्राफिक कार्ड सेलेक्ट करना है। उसके बाद आप जो है यहाँ पर ओके के ऊपर क्लिक कीजिए। उसके बाद आप कैमटेशिया को क्लोज कीजिए। फिर आप अपने पीसी को एक बार रीस्टार्ट कीजिए, आपके पास प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। तो इस तरीके से आप जो है इजीली कैमटेशिया की प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया, तो प्लीज़ लाइक कर देना और इसी तरह के वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।